नमस्कार, खबर समय चौकत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। झांसी, युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए आसरा सोसाइटी की अध्यक्ष पूजा शर्मा हुक्का बार के खिलाफ लगातार संघर्ष करेगी। उन्होंने माना कि जिला प्रशासन मेरी इस लड़ाई में मेरे साथ है। झांसी से शुरू हुई हुक्का बार के खिलाफ लड़ाई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों तक पहुंचेगी। आसरा सोसाइटी का प्रयास रहेगा कि युवा पीढ़ी को हुक्का बार से हर हालत में बचाया जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जिन होटलों और दुकानों में हुक्का बार जैसी घिनौनी हरकतें हो रही हैं, उसके खिलाफ एक दिन नहीं लगातार मुहिम चलाने की जरूरत है और ऐसे होटलों और दुकानों पर कठोर कानूनी शिकंजा कसने की जरूरत है। हुक्का क्या नुकसान था जिसके खिलाफ आपने मुहिम चलाई? जी, हुक्का बार से वैसे तो सभी लोगों को पता है कि जो बच्चे हैं, जैसे कुछ लोगों का ये जानना है कि माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों को बिगाड़ते हैं, तो इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि वो बच्चे ऐसे जगहों पर जाते हैं जो घर से ट्यूशन और स्कूल के कह के जाते हैं। जाहिर सी बात है, घर से कह के जाएंगे तो पेरेंट्स जाने नहीं देंगे, तो ये तो बिल्कुल मानना उनका गलत है जो लोग ये कहते हैं कि माँ बाप की जानकारी की वजह से ही जाते हैं। दूसरा, वहाँ पर नशीले पदार्थ जो हैं वो उसका सेवन करते हैं बच्चे, तो आपने देखा है जो इतनी घटनाएँ हो रही हैं वो नशे की वजह से ही हो रही हैं। जो लड़कियां बलात्कार के आरोप लगा देती हैं लड़कों पे, पहले रजामंदी से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये नशे के ही कारण है। पहले बोलते हैं कि नहीं, फ्रूट फ्लेवर है, हमारे यहाँ नशा नहीं है, लेकिन आपने भी, आप पत्रकार हैं तो आपको पता होगा और जनता को ये पता होगा कि हमारे कोतवाली क्षेत्र में, कोतवाल है जो, तुलसीराम पांडे जी, उनने एक जगह छापा मारा था और वहाँ पर कोई महिलाएँ हैं जो वो चला रही थी और वहाँ पर नशीले पदार्थ मिले थे, उस समय पर पाए गए थे, तो सभी ने देखा। तो कैसे कह सकते हैं हम कि फ्रूट फ्लेवर है, सभी ने देखा कि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें थी नशे की ही थी। तो सिर्फ इसलिए हमने ये मुहिम चलाई थी और बहुत पहले एसएसपी सर को भी हमने बोला था, अवगत कराया था, हालांकि उन्होंने बोला था ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला रुक जाओ। झांसी में और भी जगह क्या हुक्का बार के कुछ पाए गए हैं जहाँ चलता हो हुक्का बार, होटलों में या कहीं? सर, हुक्का बार हर जगह चल रहा है और नशीला ही पदार्थ उसमें पाया जा रहा है और बच्चों को नशे की आदि बनाया जा रहा है और हर एक जगह है, सब जगह है। और मेरे हिसाब से तो प्रशासन को भी इस चीज़ की, कुछ लोगों को जानकारी है, अगर रोक लगाई जाए तो ये रुक सकता है, लेकिन जैसे एक दिन रोज पे छापा जो गलता है, दूसरे दिन फिर से चालू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसको क्या कहा जाएगा? आपका कहना है कि इसके लिए लगातार मुहिम चलनी चाहिए? बिल्कुल, इसको टोटल बंद कर दिया जाना चाहिए। जो रेस्टोरेंट है वो सिर्फ रेस्टोरेंट होना चाहिए, उनमें केबिन बनाए हुए हैं, किस लिए केबिन बनाए हुए हैं? अगर डेली छापे लगेंगे भी तो जो बंदा वहाँ छापा लगाने जाएगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं सिस्टम सब सेट हो जाते हैं, तो उनके चलते भी ये सब चीज़ें रेगुलर चलती रहती हैं, ये आप भी जानते हैं। अगर प्रशासन इसमें ढील देता है तो आपकी मुहिम क्या इसके खिलाफ जारी रहेगी? बिल्कुल, हमारा तो यही है सिद्धांत, गलत होते देखते नहीं हैं, गलत करते नहीं हैं और गलत सहते भी नहीं हैं और पीछे भी नहीं हटते, तो जब हमने ठान रखा है तो हम बिल्कुल इस पे। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।